यूपी में शाहजहांपुर के बहुचर्चित एनआरआई हत्याकांड के मामले में अदालत ने उसकी एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा का ऐलान 7 अक्टूबर को किया जाएगा। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। यह मामला कुछ इस तरह है कि 35 वर्षीय सुखजीत सिंह और उनकी पत्नी रमनदीप कौर मान दोनों ने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी थी। शादी के बाद भी रमनदीप का प्रेम प्रसंग पंजाब के कपूरथला निवासी गुरप्रीत के साथ चल रहा था। शादी को धीरे धीरे 11 साल हो गए थे, लेकिन रमनदीप और गुरप्रीत लगातार एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से बात करते रहते थे। दोनों एक होना चाहते थे, लेकिन उन्हें सुखजीत रास्ते का कांटा लग रहा था। लिहाजा रमनदीप अपने पति सुखजीत सिंह को किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाने पर आमादा थी। रमनदीप ने इसके लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। इसके बाद रमनदीप अपने पति और दो बच्चों के साथ शाहजहांपुर जिला अंतर्गत बंडा थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव आ गई। तब एक बेटे की उम्र 9 वर्ष और दूसरे की उम्र 6 वर्ष थी। भारत आते समय रमनदीप ने अपने प्रेमी गुरप्रीत को भी साथ ले लिया और सभी लोग बसंतापुर गांव पहुंच गए। 1 सितंबर 2016 को सुखजीत सिंह का शव खून से लथपथ पड़ा पाया गया। इसी के साथ उनके दो पालतू कुत्ते भी मृत अवस्था में पड़े मिले थे। रमनदीप ने पति की हत्या करने से पहले सभी को जहर दे दिया था। इस हत्याकांड के बारे में शाहजहांपुर के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। मैं श्रीपाल वर्मा, एडीजीसी क्रिमिनल, कोड नंबर 10। ये घटना 1 सितंबर 2016 की है, रात्रि की है। ये अभियुक्त रमनदीप और इनके पति मृतक सुखजीत सिंह और इनके दो बेटे ये घर के ऊपर लेटे थे। रात्रि में इनका रमनदीप और जो इसका प्रेमी था गुरप्रीत और मिट्टू, इनको बुलाया और रात में दोनों ने मिलकर सुखजीत सिंह की चाकू व हथौड़े से हत्या कर दी। मतलब रमनदीप कौर ने चाकू से गला काटा और मिट्टू ने जो है हथौड़े से सिर पर वार किया। सुबह जो है जब घरवाले जागे तो उन्होंने पूछा तो बताया कि अज्ञात आदमी हत्या कर गया, जानकारी नहीं। और रात्रि में जो खाना बनाया था बिरयानी वगैरह, उस बिरयानी में कुछ नशा मिला दिया था। उससे मृतक की माँ दूसरे कमरे में लेटी थी, वो अपने नींद में हो गई और जो मृतक था उसको भी खिला दिया, वो भी अपने नशे में हो गया। उसके बाद इन लोगों ने रात्रि में घटना को अंजाम दिया। आज न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को, रमनदीप कौर व गुरप्रीत और मिट्टू को, इस मुकदमे में दोषी पाया है और सजा के बिंदु पर 7 तारीख को सुना जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कत्ल की रात में क्या हुआ था। रमनदीप ने खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसे अपने मंसूबे को अंजाम देने में किसी दिक्कत या विरोध का सामना न करना पड़ा। पालतू कुत्तों को भी जहर मिला दाल चावल देकर मार दिया था, लेकिन बड़े बेटे ने मैगी खाने के लिए दाल चावल नहीं खाया, जिससे वह बच गया था। इसके बाद यही बेटा अपने पिता की हत्या किए जाने के समय जाग गया और उसने पूरी घटना को देखा था। मुकदमे में सुखजीत का बड़ा बेटा अंतिम चश्मदीद गवाह बन गया। बेटे ने जांच के दौरान पुलिस को बताया था कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता को मार डाला गया। रमनदीप ने पिता के चेहरे पर तकिया रखा और गुरप्रीत ने गला काट दिया। बेटे की गवाही पर शाहजहांपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने दोनों को धारा 302 और धारा 34 के तहत दोषी माना और 7 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने का ऐलान किया है। अदालत का निर्णय आने के बाद मृतक सुखजीत सिंह की माँ वंश कौर ने क्या कहा, आइए आपको वह भी सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। भैया हमें तो जब भगवान इनको देगा ना फांसी की सजा, उस दिन मुझे खुशी होगी और मेरे बच्चे का इंसाफ मुझे मिलेगा। अभी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, और इतनी मुझे ठंड तो मिल गई अब, मगर इतना इंसाफ उस दिन मिलेगा जिस दिन इनको फांसी होगी मेरे सामने। मैं तो फांसी चाहती हूँ इनकी। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुब नगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल, सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।